हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सॉल्यूशन सेल्फ क्लाइंट्स। आज की इस वीडियो में हम बेस चेंजिंग थ्योरम और बेस पावर फार्मूला पर बेसिक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिससे आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है वो क्लियर हो जाएंगे और आपके बेसिक्स इतने स्ट्रांग हो जाएंगे कि आप कोई भी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन को या फिर कोई भी जो क्वेश्चन होते हैं इवेल्युएट करने वाले लॉगरिथम के, उनको आप बहुत ही आसानी से सिंप्लीफाई कर पाएंगे। सो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, जिससे आपके सारे कॉन्सेप्ट और सारे फार्मूले कैसे यूज़ करते हैं वो आपको क्लियर हो। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे आपको सारी लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। सो लेट्स स्टार्ट। सो गाइस, हमारा पहला क्वेश्चन है, उसमें हमें इवेल्युएट करना है दैट लॉग बेस 927 माइनस लॉग बेस 279, ये हमें इवेल्युएट करना है। नाउ वी विल सॉल्व इट स्टेप बाय स्टेप। सो सबसे पहले हमें ये जो टर्म्स दिख रही हैं 27 और 9, ये हमें पता पड़ा दैट ये 3 का क्यूब है और ये 3 का स्क्वायर है। सो हम इसको लिखेंगे लॉग बेस 9 3 क्यूब माइनस लॉग बेस 27 एंड 3 स्क्वायर। अब जो हमने पावर रूल देखा था एक बार, दैट लॉग ए एम रेस्ट टू एक्स इज इक्वल टू एक्स लॉग ए एम, वो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा 3 लॉग बेस 9 3 माइनस 2 लॉग बेस 27 एंड 3। सो गाइस, ये हमने पहले देखा था फार्मूला, वो हमने यूज़ किया है। अब हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, क्योंकि जो बेस है, बेस यहाँ पर पावर में कन्वर्ट हो सकती है। सो हम इसको कन्वर्ट करेंगे 3 लॉग बेस 3 स्क्वायर एंड 3 माइनस 2 लॉग बेस 3 क्यूब एंड 3, ये नंबर्स हैं और ये बेस है। तो गाइस, हमें दिख रहा है कि जो बेस है वो पावर है, मींस बेस पावर में है। सो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे बेस पावर फार्मूला, जो हमें पता है कि ये होता है, ये हमारा बेस पावर फार्मूला लॉग ए रेस टू के एम इज इक्वल टू वन ओवर के लॉग बेस ए एम। तो हम वो यहाँ पर यूज़ करेंगे, तो इससे हमारा आंसर आ जाएगा 3/2 लॉग बेस 3 एंड द नंबर इज़ ऑल्सो 3 माइनस 2/3 लॉग बेस 3 एंड द नंबर इज़ ऑल्सो 3। गाइस, हम फंडामेंटल आइडेंटिटी यूज़ करेंगे दैट लॉगरिथम ऑफ अ नंबर विद द सेम बेस इज़ यूनिटी। तो ये जो लॉग बेस 3 है और लॉग बेस 3 है और जो नंबर है वो भी 3 है, तो ये हो जाएगा 1। तो हमारे पास जो बचेगा, सो हम इसको लिख सकते हैं 3/2 माइनस 2/3, ये हमारा बच गया। तो गाइस, इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 5/6, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो गाइस, इस तरीके से हमने यहाँ पर इवेल्युएट का एक क्वेश्चन देखा है, जिसमें हमने बेसिक रिप्रेजेंटेशन देखा है क्वेश्चन का, किस टाइप से क्वेश्चन को रिप्रेजेंट किया है और हमने उसको किस तरह से सिंप्लीफाई किया है। गाइस, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें हमारे पास गिवन है इफ़ लॉग बेस ए 3 इज इक्वल्स टू 2 एंड लॉग बेस बी 8 इज इक्वल्स टू 3। हमारे पास जो गिवन है वो है लॉग बेस ए 3 इज इक्वल्स टू 2 एंड लॉग बेस बी 8 इज इक्वल्स टू 3, ये हमारे पास गिवन है। और जो हमें कैलकुलेट करना है लॉग बेस ए बी है। तो अगर इसमें हम ए और बी की वैल्यूज़ निकालें, तो हम सिंपली इसमें सब्स्टिट्यूट करके ये वैल्यू निकाल सकते हैं और हमारे पास ऑप्शंस गिवन है, उसमें से कोई ना कोई एक आंसर होगा। सो गाइस, हमारे पास जो गिवन है उससे हम कहीं ना कहीं ए और बी निकाल सकते हैं, जैसे कि हमने पिछले कई क्वेश्चन हमने जो सॉल्व किए हैं उसमें हमने निकाला भी है। तो फर्स्ट से हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा वो होगा ए स्क्वायर इज़ इक्वल्स टू 3, ये हमने देख रखा है, बेस वहाँ पे जाएगी तो ये पावर से रेज हो जाएगा, सो ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3। तो ए हो जाएगा हमारा अंडर रूट 3, प्लस माइनस अंडर रूट 3 होता है, बस हमें पता है दैट ए जो है, जो कि बेस है, और बेस इज़ ऑलवेज अ पॉजिटिव रियल नंबर होना चाहिए। इस इक्वेशन से हमारा रिज़ल्ट बनेगा बी क्यूब इज इक्वल्स टू 8, जिससे हमारा आंसर आ जाएगा बी इज इक्वल्स टू 2। तो गाइस, हमारे पास ए की वैल्यू भी है और बी की वैल्यू भी है, तो हम सिंपली
इसमें सब्सटीट्यूट कर देंगे। सो आफ्टर सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी वी गेट अंडर रूट 3 एंड बी इज व्हाट 2। सो अब इस क्वेश्चन में भी हमारे पास एक दो आइडेंटिटी यूज़ होंगी जिससे हमको उनका यूज़ पता पड़ जाएगा कैसे यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले तो हमारे पास जो बेस है उसको हम पावर में चेंज कर देंगे, तो वो बनेगा लॉग अंडर रूट है तो पावर हो जाएगी 1/2 मीन्स हाफ एंड द वैल्यू हियर द नंबर इज़ 2। अब हम यहाँ पर बेस पावर फार्मूला यूज़ करेंगे मीन्स दिस फार्मूला। यहाँ पर बेस 1/k यहाँ पर नीचे आ जाएगा और देन नंबर एंड द बेस, तो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे उसको। सो इससे हमारा रिजल्ट आएगा हाफ नीचे जाएगा देन रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ओवरऑल आंसर आ जाएगा 2 log base 3 एंड द नंबर इज़ 2। तो गाइस ये हमारा आंसर आता है, बट ये अभी मैच नहीं हो रहा है, हमारे जो ऑप्शन है उससे मैच नहीं हो रहा है, तो हम इसको आगे और सॉल्व कर सकते हैं। अभी जब हमने पावर फार्मूला देखा है कि जो ऊपर से पावर है वो यहाँ पर आ जाती है आगे, तो हम इसका कन्वर्स भी कर सकते हैं। तो ये जो पावर है यहाँ पर जो कोफिशेंट है वो यहाँ पर पावर में चला जाएगा, तो आंसर हो जाएगा log base 3 एंड power 4। सो जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो गाइस ये पिछले दो क्वेश्चंस में हमने देख लिया है कि कैसे हम जो प्रॉपर्टीज़ हैं जो थ्योरम्स हैं उनको हम कैसे एग्जीक्यूट करते हैं क्वेश्चंस में। तो गाइस ये बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं है, बेसिक क्वेश्चंस है जिससे हमें पता पड़ता है कि हमें कैसे सॉल्व करना है और कैसे प्रोसीड करना है कोई भी क्वेश्चन में। सो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉगरिथम का, बेस चेंजिंग पावर, बेस थ्योरम और बेस पावर फार्मूला, ऑलमोस्ट इसमें सारे कॉन्सेप्ट यूज़ हो जाएंगे, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो गाइस सबसे पहले तो हम इसमें देख सकते हैं दैट यहाँ पर जो लॉगरिथम है वो रेसिप्रोकल में है, दैट 1/log base 5 3 एंड 4/log base 7 9। तो पहले तो हम इसको नॉर्मल फॉर्म में चेंज करेंगे जैसा इसमें है 81। अब इसको हम चेंज करेंगे तो बेस चेंज हो जाएगी, तो ये हमारा हो जाएगा log base 3 5, ये फार्मूले हम देख चुके हैं, प्लस 27 log base 9 36 प्लस 3 4 log base 9 7। तो ये हमारे सामने आ रहा है। अब हमें दिख रहा है यहाँ पर बेस 3 है, यहाँ पर बेस 9 है, यहाँ पे भी बेस 9 है, तो हम यहाँ पर बेस पावर फार्मूला यूज़ कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर हम 9 को 3 स्क्वायर लिख सकते हैं और सेम यहाँ पर भी 9 को 3 स्क्वायर लिख सकते हैं। तो अभी हम इसको सेम लिखेंगे 81 log base 3 5 प्लस 27। अब अगर हम log base 3 स्क्वायर और कोई नंबर लिखेंगे तो जो पावर होगी वो फार्मूले के अकॉर्डिंग 1/2 देन log देन base 3 और देन कोई नंबर इस फॉर्म में आती ही, हमने फार्मूलेज में देखा है। तो यहाँ पर 3 स्क्वायर है तो बेस से 2 नीचे आएगा तो 1/2 आ जाएगा और देन log base 3 एंड 36 देन प्लस 3^4 log base 3 7 और पावर का 4 से नीचे आएगा 2, तो 2 1s and 2 2s कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पर 81 है, 27 एंड देन 3 square log base 3 7 है, तो अब हम इसको भी 3 की पावर्स में चेंज कर सकते हैं। सो 3^4 log base 3 5 प्लस 3 cube और यहाँ पर 3/2 हो जाएगा ऊपर से देन log base 3 36 प्लस 3 square में जाएगा log 2 3 and 7। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट हमारे पास सेम एक्सप्रेशन हो चुका है, सेम फॉर्म में हमारे पास सारी चीज़ें आ चुकी हैं। अब हमने जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ पढ़ी है दैट पावर यहाँ पर ये जो वाली जो कोफिशेंट है वो पावर में चले जाएगा log के, सब में सेम है रूल फॉलो हो रहा है तो हम सब में सेम रूल फॉलो, log 3 base और 5 के ऊपर आ जाएगी पावर। सिमिलरली यहाँ पर 3 base log base 3 36 के ऊपर आ जाएगी पावर 3/2। सिमिलरली यहाँ पर आ जाएगी 3 base log 3 और 7 के ऊपर आ जाएगी पावर स्क्वायर। अब हमने एक और फार्मूला देखा था दैट वी कैन चेंज दिस विद दिस नंबर,
ये हमने फार्मूला देखा था, सी लॉग बी ए इज इक्वल्स टू ए लॉग बी सी। तो अब ये तीनों सेम फॉर्म में हैं, तो हम तीनों तीनों में ये फार्मूला यूज़ करेंगे। तो जब हम फार्मूला यूज़ करेंगे तो हमारे पास आएगी टर्म्स, 5:4 हो गया हमारा, 625 लॉग बेस 3 है और नंबर भी यहाँ पर 3 हो गया। सिमिलरली 36 की पावर जो है 3/2, और जो लॉग में हमारे पास वो भी 3/3 हो गया। सिमिलरली यहाँ पर 7² हो गया 49, और लॉग बेस 3 और 3 हो गया। और ये हमने आइडेंटिटी पढ़ रखी है, दैट लॉगरिथम ऑफ अ नंबर विद द सेम बेस इज इक्वल्स टू 1, तो ये सारे 1 हो जाएंगे। और 36 3/2 को हम सॉल्व करेंगे 6² तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और 6³ बन जाएगा, दैट इज 216। तो हमारे पास जो ओवरऑल आंसर आ जाएगा 625 प्लस 216 प्लस 49 विल बी इक्वल्स टू 890। सो गाइस, इसमें हमने ऑलमोस्ट सारी आइडेंटिटीज यूज़ करी हैं, उसके बाद हमारे पास इस एक्सप्रेशन का जो आंसर आया है वो आया है 890। तो गाइस, इसको आप वापस सॉल्व करके देख सकते हैं, और कोई डाउट आए तो आप कमेंट्स में पूछ भी सकते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें हमें क्वेश्चन में गिवन है दैट इफ ए बी सी आर डिस्टिंक्ट पॉजिटिव रियल नंबर डिफरेंट फ्रॉम 1 सच दैट, क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करेंगे। तो हमारे पास लॉग बेस बी ए है, देन लॉग सी ए है, माइनस लॉग ए है, देन बेस सेम है यहाँ पर। तो यहाँ पर बेस और नंबर सेम है, यहाँ पर बेस और नंबर सेम है, यहाँ पर बेस और नंबर सेम है, तो ये तो हो गया हमारा 1। अब हम इसको लिखेंगे कैसे वो भी हम चेक करेंगे। तो फर्स्ट हमारे पास जो आएगा वो तो आएगा लॉग बेस बी ए डॉट लॉग बेस सी ए माइनस 1, ये हमारा फर्स्ट एक्सप्रेशन है ये वाला। देन प्लस लॉग बेस ए बी, देन लॉग बेस सी बी अगेन माइनस 1, सेम बेस है इसलिए। देन हमारे पास जो लास्ट एक्सप्रेशन है, देन लॉग बेस ए सी लॉग बेस बी सी माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, ये हमारे पास गिवन है। तो हमें जो कैलकुलेट करना है वो है ए बी सी की वैल्यू। तो हमें कहीं ना कहीं से सॉल्व करके रिलेशन हमारे पास कुछ ना कुछ आएगा, जिससे हमें ए बी सी की वैल्यू दिख जाएगी, जो कि इन ऑप्शन में से कोई ना कोई सी होगी। सो गाइस, इस एक्सप्रेशन को देख के हमें लग रहा है कि हम यहाँ पर बेस चेंजिंग थ्योरम यूज़ कर सकते हैं, जिससे हमारे पास थोड़ा सा एक सही एक्सप्रेशन आया, जिससे हमारे पास कुछ रिलेशन निकल पाए। तो यहाँ पर हम बेस चेंजिंग थ्योरम यूज़ करेंगे। सो अब हम इन एक्सप्रेशंस में बेस चेंजिंग थ्योरम यूज़ करेंगे, तो हमारे पास आएगा लॉग बेस, कोई सी भी नॉर्मल कोई भी बेस हम ले रखी है यहाँ पर, सिमिलरली बी में भी ले रखी है, देन लॉग बेस ए लॉग सी, ये माइनस 1, ये माइनस 1, ये माइनस 1, माइनस 3 हो जाएगा, और इधर आर एच एस में शिफ्ट हो जाएगा, तो हमारे पास जो इक्वल्स टू होगा वो हो जाएगा प्लस 3। नेक्स्ट एक्सप्रेशन में लगाएंगे लॉग बी लॉग ए लॉग बी लॉग सी, जो लास्ट एक्सप्रेशन है उसमें आएगा लॉग सी इंटू लॉग सी हियर, और नीचे ओवरऑल आएगा लॉग ए एंड लॉग बी, और वो माइनस 3 यहाँ पर प्लस 3 हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर नीचे एलसीएम ले, अगर जो हमारा बेसिक यूज़ कर रहे हैं हम एलसीएम का, तो हमारा एलसीएम नीचे आएगा लॉग ए लॉग बी एंड लॉग सी, और एलसीएम के अकॉर्डिंग जो ऊपर वाली टर्म्स बनेगी वो हमारी बनेगी लॉग ए होल क्यूब लॉग बी का होल क्यूब प्लस लॉग सी का होल क्यूब और इक्वल्स टू में 3। अब 3 उधर हम ट्रांसफ़र करेंगे, सो लॉग ए होल क्यूब प्लस लॉग बी होल क्यूब प्लस लॉग सी होल क्यूब इज इक्वल्स टू 3 लॉग ए लॉग बी एंड लॉग सी, तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन बनेगा। सो अब मैथमेटिक्स से हमें यहाँ पर एक रिलेशन दिख रहा है, और वो दिखना चाहिए दैट
ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल्स टू 3 लॉग ए लॉग बी लॉग सी जो है यहाँ पर हो जाएगा 3 ए बी सी, और इनको हम थोड़ा मैनिपुलेट करें तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, तो ये हमारे पास रिलेशन बनता हुआ हमें कहीं ना कहीं दिख रहा है। तो जब ये रिलेशन हमारे पास बनता है दैट इफ़ ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3 ए बी सी, तो देन हमारे पास जो कंडीशन बनती है वो होती है ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसको हम डिराइव भी कर सकते हैं और अभी आप इसको याद भी रख सकते हैं दैट ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ए बी सी इक्वल टू जब 0 होता है देन ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 होता है, ये सम 0 ही होगा इस कंडीशन में। तो ये सम जब 0 होगा तो हमारे पास अभी अकॉर्डिंग मैनिपुलेशन से हमारे पास ये जो टर्म्स हैं ए बी सी वो लॉग ए लॉग बी लॉग सी हैं, तो हमारे पास बन जाएगा लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी इज इक्वल्स टू 0। और इससे हमारे पास प्रोडक्ट रूल से आ जाएगा लॉग ए बी सी इज इक्वल्स टू 0 को हम लिख सकते हैं लॉग 1, और यहाँ से हम कंपैरिजन करें तो हमारा आंसर आ जाएगा ए बी सी इज इक्वल्स टू 1। और यही हमें बताना था दैट व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ए बी सी, तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारा सी, दैट इज़ ए बी सी इज इक्वल्स टू 1। तो गाइस हमने ऑलमोस्ट बेस चेंजिंग थ्योरम के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। सो गाइस ये आपके लिए एक होमवर्क प्रॉब्लम है, इसका आप आंसर कमेंट में कर सकते हैं, और कोई डाउट हो इस वीडियो से रिलेटेड तो भी पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और साथ ही साथ अपनी क्वेरीज को शेयर करिए। यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम यूजिंग यूजर नेम solutions@glance, एंड यू कैन ऑल्सो आस्क योर क्वेरीज देयर ऑल्सो। सो इट्स बाय फॉर नाउ।